आसीन हमारे साथ हमारे गुरु जी धर्मेंद्र सिकरवार जी, अरविंद धाकर जी, महंत किरार जी, विठल मीना जी, मोहन राज मीना जी, हरि सिंह यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, समस्त उपस्थित हमारे महानुभव और भगवान राम की रामनगर में उपस्थित मेरी समस्त जनता, नहीं मेरे परिवार जन को उपस्थित। भव्य है ये गांव, भव्य है ये गांव, क्योंकि ये गांव इतिहास का साक्षी, इतिहास का साक्षी है कि जहां पार्वती नदी के उस पार भगवान लक्ष्मण की टेकरी है, वहीं इस पार भगवान राम की नगरी है। जहां पार्वती मैया नदी के उस पार भगवान लक्ष्मण की टेकरी है, वहीं इस पार भगवान राम की नगरी है। और धन्य है आप सब लोग, और सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आपका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ रामनगर के। धन्यवाद। भगवान राम की खोज में देश भर की जनता अयोध्या धाम जाता है। पर आप तो रामनगर के वासी हो, आपके एक एक के दिल में और आपके एक एक की आत्मा में भगवान राम विराजते हैं। और गुरु जी की कृपा, केवल पुल तक सीमित नहीं है, हम अपने संतों से ये कामना करते हैं कि मनुष्य जब मोक्ष की खोज में होता है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, और जब मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के खोज में रहता है, संस्कृत में शब्द है ममा, ममा मतलब मेरा, मेरा नाम, मेरा खेत, मेरी खेती, मेरा घर, मेरी मंडी, मेरी गाड़ी, मेरी यश, मेरी कीर्ति। ममा को त्याग करना मोक्ष प्राप्ति के सफर पे पहला कदम है मेरे भाइयों में। और मैं मानता हूं कि जनसेवा उस ममा को त्याग करने का पहला उत्तम तरीका है। और इसलिए गुरु जी से भी मैं निवेदन करूंगा, आपका प्रवचन होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति पर, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के राह पर चलने की एक ऊर्जा, एक एक व्यक्ति उनके पच्चीनों पर चल पाए, ये ऊर्जा आपके ज्ञान और प्रवचन के आधार पर एक एक व्यक्ति में समाहित हो, तब राम नगरी की वैभव पूरे देश और विश्व में फैलेगी। तो अपने आप को पुल तक सीमित मत रखना, और
जा रही है मोक्ष प्राप्ति का राह दिखाना। केवल पुल बनाने तक मुझे सीमित मत रखना, सही है कि नहीं? जैसे अभी पूर्व वक्ता धर्मेंद्र जी ने कहा, मैं तो सेवक हूं, मैं लक्ष्मण टेकरी का सेवक हूं, मैं राम की नगरी का सेवक हूं, और सेवा के रास्ते पर आपकी हर मांग को पूरा करना इस सेवक का दायित्व है। मैं तो उस राम नगरी को जानता हूं जिस राम नगरी के उस पार ये मखमल वाली सड़क नहीं थी। गुरु जी आपको भी एहसास नहीं होगा, कच्ची सड़क, अरे भैया कच्ची सड़कें नहीं थी, पगडंडियां थी। पगडंडियां थी जब पहली बार 2003 में मैं यहां आया था, मैं आपको भी बता दूंगा, सभा स्थल सड़क के पास रखी थी, मंच भी सड़क के पास रखी थी, और हम लोगों का दृष्टिकोण उधर था, ये भी मैं आपको बता दूंगा, सही है कि नहीं बोलो मुझे? आज तो ठाट बाट लगा के अंदर खेत में रख दिया है क्योंकि सड़क आ गई, उस समय तो सड़क नहीं थी, और तब तो मांग रखी थी कि महाराज और कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको तो सड़क दे देना। राजस्थान बॉर्डर तक फतेहगढ़ गोरस पाड़ोन की सड़क, राजस्थान बॉर्डर तक इंटरस्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत मैंने बैठकर आपके लिए बनाया। इस सड़क पर हम 80 किलोमीटर की रफ्तार पर आज चल के आए, उस जमाने में तो अगर घर से कोई मेरा साथी परिवार का सदस्य निकलता था तो पत्नी कहती थी कि बमोरी पहुंच के मुझे फोन कर देना, रीढ़ की हड्डी एक ही पीस में है या टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे धचके लगते थे भैया, कभी तो ढाए कभी तो ढाए, याद है सबको? इन सब लोगों को याद होगा, ये बच्चों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। सड़कों की एक जाल बिछा दी, क्या सड़कों की एक जाल बिछा दी, ये डीपी और ये खंभा भी रामनगर में नहीं था, रामनगरी में अंधेरे अंधेरा था। ये है सरेटा का वीर बहादुर, लड़ने के लिए आता था मेरे पास, भगवान राम की नगरी, नदी के उस पार लक्ष्मण जी की टेकरी, लेकिन राम की नगरी में अंधेरा। मैंने जब ऊर्जा मंत्री था, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सेंधवा में, बांसखेड़ी में, उकावद में और रामनगर में मैंने सब स्टेशन आप लोगों को, मेरे क्षेत्र में भगवान राम की नगरी हो और दिवाली जैसी एक उत्सव रोज रात को ना मने, ये संभव हो सकता है? जब राम नगरी का नाम मेरा गांव का हो मेरे भाइयों, खंबे लग गए, सब स्टेशन लग गया, डीपी लग गई, तार खिंच गया, डंडे लग गए, और अगर ज्योतिरादित्य मेरा नाम है तो ज्योति का प्रकाश भी आपके घर घर तक मैंने पहुंचाया।
समूचे क्षेत्र के, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, बमोरी में सीएम राइस स्कूल बन रहा है, बमोरी में नया कॉलेज बन रहा है, गुना में मसाला पार्क बन गया, एफटीडीआई का सेंटर बन गया, बाईपास बन गया, ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास का 6 लेन का 5,000 करोड़ का हाईवे बना दिया, राजस्थान बॉर्डर की सड़क बन गई, ओवरब्रिज बन गई, हाँ बोगड़ा वाला ओवरब्रिज बन गया। समस्या आपका समाधान ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आज जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, हरि सिंह जी ने कहा, मुद्दा देश का है मेरे भाई और बहनों। सालों साल बाद एक ऐसा नेतृत्व मां भारती को मिला है जो भारत के झंडे को विश्व पटल पर उजागर कर रहा है। पुराने जमाने में भारत के नेता विदेश जाते थे, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता था। आज देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो विदेश के नेता और प्रधानमंत्रियों की लाइन लग जाती है। और एक एक घर में विकास हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। गुरु जी ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति गरीब के लिए, यह युवा के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी शक्ति के लिए मेरे भाई। मां भारती में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, गरीब का उत्थान हो रहा है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल में किया। गरीब को अपना स्वाभिमान लौटाने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया है। 80 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंचाना, मुफ्त में राशन दिलवाना विश्व के किसी देश ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है मेरे भाई और बहनों, ये मोदी की गारंटी है। एक एक किसान के घर में किसान सम्मान निधि यहां कितने लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको? और कितना मिल रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ कितना मिल रहा है? अरे बोलो यार, कितना मिल रहा है? और अगर मैं सरकार 2020 में नहीं बदलता और वो चोरी को उखाड़ के नहीं फेंकता तो 12,000 मिलता या 6,000? तो ठीक किया कि नहीं? मैंने किया इसलिए आपके खाते में 12,000 आया कि नहीं? और लाडली बहना है मेरी, यहाँ लाडली बहना, हाँ कितना आ रहा है खाते में? 12, बोलो जोर से, 1,250। और अगर जोड़ी होती कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की 1,250 नहीं आता, शून्य आता, सब उनके पॉकेट में जाता। महिला सशक्तिकरण, किसान का सशक्तिकरण, नौजवान को ऊर्जा देना, गरीब का उत्थान करना, भारत के झंडे को विश्व पटल पर गाड़ के रखना, ये नरेंद्र मोदी का मिशन है मेरे भाई और बहनों, मिशन है। ऐसे प्रधानमंत्री को ऊर्जा हमें देना है कि नहीं? अभी पास वाले गांव जब बाढ़ आई थी सोडा में,
क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी तक सीमित नहीं है। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे समूचे ग्वालियर चंबल संभाग की जनता है। मेरे भाई और आपका एक भी बाल बाका नहीं होने दूंगा मैं, जब तक इस शरीर में जान है कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। मेरे भाई और सेवक को आशीर्वाद प्रदान करोगे तो हाथ उठाओ और कमल का फूल बनाओ। चलो कमल का फूल बनाओ सब। अरे हरे शर्ट वाले, चलो कमल का फूल बनाओ। आपको क्या हो गया? बीच वाले, ग्रे शर्ट वाले, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, कमल का फूल बनाओ। यहां सारे के सारे कमल का फूल बना लो। चलो कमल का फूल बनाओ। चलो हरी घूंघट वाली, और 7 तारीख को एक एक वोट डलेगा। डलेगा कैसे? डलेगा ठगा 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 ठगा। और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांध के पार्वती नदी में हमें डालना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद।